हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूपर। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले जैक डैली के कॉलेज के बारे में, देखने वाले हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है उन कॉलेजेस का 2020 में, और जो ये प्रिडिक्शन हम करते हैं वो प्रीवियस 3 ईयर के डेटा को एनालाइज करने के बाद हम आपको एक रैंक रेंज बताते हैं कि क्या आपको रैंक रखना पड़ेगा इस साल उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो जो भी यहाँ पे आपको डेटा दिखाया जाएगा वो एकदम परफेक्टली 3 ईयर के ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया जाएगा, क्या इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। उसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो कि कट ऑफ ट्रेंड किसका हाई जा रहा है, किसका लो जा रहा है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। अब जो ये IGDTU कॉलेज है ये केवल और केवल गर्ल्स कोटा के थ्रू ही एडमिशन लेता है, मेल कैंडिडेट्स इस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। और जो IIIT दिल्ली है उसको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया बिकॉज उसका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जिसमें हम केवल और केवल IIIT दिल्ली की ही एनालाइजेशन करेंगे, कट ऑफ को, प्लेसमेंट को, सारी चीजों को कवर करेंगे। बहुत जल्दी वीडियो आपके लिए आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली आप कर लो। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले कट ऑफ कवर किया वो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे ब्रांचेस को कवर किया है फॉर होम स्टेट, फिर हम अदर स्टेट को देखेंगे, फिर हम अदर ब्रांचेस को देखेंगे और इसी सिक्वेंस में हम कट ऑफ को देखते चलेंगे। और जो भी कट ऑफ कवर किया जा रहा है वो जनरल कैंडिडेट के लिए कवर किया जा रहा है। तो अगर हम नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नया ब्रांच 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 2017 और 18 की कट ऑफ आपको यहाँ पे नहीं दिख रही होगी। तो जो कट ऑफ रहा था वो 3454 रहा था, तो 3200 प्लस आपका अगर कट ऑफ है तो आप इस कॉलेज में बिल्कुल एडमिशन लेने का सोच सकते हो इस ब्रांच के साथ। अगर हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 4600 के आसपास 2017 में क्लोज हो गया था, 4300 के आसपास 2018 में और 4300 के ही आसपास 2019 में। तो मतलब आपका 4200 से 4500 के बीच रैंक रह रहा है तो आप कहीं ना कहीं इस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो, चांसेस है इस बार भी उसी के रेंज में कट ऑफ जाने के। अब IT ब्रांच में यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा होगा, इसका एक रीजन भी है कि 2017 और 18 की बात करें तो 6 राउंड की काउंसलिंग हुआ करती थी और 2019 में 4th राउंड तक ही काउंसलिंग खत्म कर दिया जाता है, फिर स्पॉट राउंड होता था। तो यहाँ पे इसका भी इफेक्ट थोड़ा सा देखने को मिलेगा और आपको ग्राफ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली पता भी चल रहा होगा कि 2019 का जो ग्राफ है वो हर केस में थोड़ा सा डाउन जा रहा है। तो ये भी एक पर्टिकुलर रीजन है, राउंड कम किया गया तो इसके कारण भी कट ऑफ पे इफेक्ट देखने को मिला। अगर इस बार राउंड बढ़ा दिया जाता है तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो 2019 के कंपेयर में, अदरवाइज आपका जो कट ऑफ है उसी रेंज में रहने वाला है। अगर हम बात करें IT ब्रांच की तो IT ब्रांच में आपको 8000 से 9000 के बीच आपका रैंक है तो आप बिल्कुल माइंड में लेके चल सकते हो इस कॉलेज के लिए IT ब्रांच। अगर हम DTU की बात करें तो CS ब्रांच 8852 पे क्लोज हो गया था 2019 में। अगर 2017, 18, 19 तीनों को हम एनालाइज करें तो आपका 8500 से 9000 के बीच रैंक है जेईई मेन में, तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज में CS ब्रांच के साथ जा सकते हैं फॉर होम स्टेट कैंडिडेट के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है। DTU में IT की बात करें तो DTU में IT 10000 और मैक्सिमम 12000 आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आप ये समझ लो 10000 से 11-12000 तक भी रैंक है, तो आप माइंड सेट करके चल सकते हो कि चांसेस है मिलने का, ठीक है, क्योंकि 2018 में थोड़ा ग्राफ पिक पकड़ा है तो आप डेफिनेटली ये मान के चलो कि आपका इतने रेंज के बीच है तो आप माइंड सेट करके चल सकते हो इस कॉलेज में। IGDTU फॉर गर्ल्स कैंडिडेट की केवल बात करेंगे हम IGDTU में, तो अगर उसके लिए आपको 30000 से 38000 के बीच आप रैंक रख रहे हैं तो इस कॉलेज में आप थोड़ा माइंड सेट लेके चल सकते हो, ठीक है। अब अदर स्टेट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है मात्र 15% सीट्स रिजर्व होते हैं अदर स्टेट के लिए और 85% दिल्ली कोटा से रिजर्व होते हैं, तो यहाँ पे आपको कट ऑफ में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू होम स्टेट कोटा, ठीक है। तो 1336 मतलब कि 1336 जेईई मेन में एक टॉप रैंक माना जाता है, ठीक है। अगर उतना तक रैंक है तो आप इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इससे डाउन जाने का यार चांस नहीं है, कट ऑफ इससे थोड़ा प्लस ही जाएगा अदर स्टेट के लिए, इससे डाउन नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपको 2500 से 1600 के बीच रखना पड़ेगा रैंक, मतलब अगर 2500 तक भी रैंक है तो एक चांस बन सकता है, आप माइंड सेट लेके चल सकते हो कि कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। DTU की बात करें तो DTU में आपको एडमिशन लेने के लिए फॉर CSE ब्रांच आपको जो रैंक रखना पड़ेगा वो 2700 से लेके
3300 के बीच रैंक रखना पड़ेगा, तो आप इस कॉलेज में माइंडसेट लेके चल सकते हो। एनएसयूटी आईटी की बात करें हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो आपका जो रैंक रहना चाहिए वो 3000 के आसपास रहना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली इस कॉलेज में आईटी मिल सकता है। डीटीयू की बात करें तो यहाँ पे देखो डीटीयू में आपको एक लेवल से ग्राफ घटते चल रहा है, तो इससे आप ट्रांसपेरेंटली ये कह सकते हो कि 3200-3300 के आसपास आपका रैंक है, तभी आप सेफ साइड हो। अब यहाँ पे IGDTU CSE की बात करें तो CSE में आपका 15000 के आसपास रैंक है, तो आप डेफिनेटली सेफ साइड में हो। और आईटी ब्रांच के लिए आपका जैसा कट ऑफ है तो 16, देखिए आप यहाँ पे 2017 में 16000 पे, 2019 में 17000 पे, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को ऐसा उलट पलट मिल सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दोनों को आप माइंडसेट में लेके चलोगे, चांसेस बिल्कुल बन सकते हैं आपको इन कॉलेजेस में, ठीक है। तो आपका जो रैंक रहना चाहिए 19000 से 17000 के बीच रहना चाहिए, तो आपको इस कॉलेज में बिल्कुल चांस है मिल जाने का। अब होम स्टेट कोटा फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, जो डीटीयू कैंपस में आपको मिलेगा ये ब्रांच, 12000 पे क्लोज हो गया था 2019 में, और 2018 की बात करें तो 14000 के आसपास, तो 12000 से 14000 के बीच आपका रैंक रह रहा है, तो चांस बन सकता है इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने का। NSUT मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये भी नया ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, तो आपका रैंक रेंज वही 12000 के आसपास है फॉर होम स्टेट, तो आपको डेफिनेटली ये ब्रांच आपको मिल सकता है। और DTU में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो वही 12 से 15000 के बीच आपका रैंक है, तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को अपने माइंडसेट में लेके चल सकते हो, ठीक है। अब अदर स्टेट की बात कर लेते हैं, 4000 लीस्ट है, 5800 मैक्स है, तो 4 से 5000 के बीच रैंक है, तो चांसेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलने का DTU में। कंप्यूटिंग की, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की बात करें तो 4000 के आसपास रैंक रहेगा, तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है इस कॉलेज में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और DTU मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो मैक्सिमम आप देख रहे हो 46000 है और मिनिमम 4400 है, लेकिन कट ऑफ जिस तरीके से डिक्रीज कर रहा है आपको ये माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा 4200-4300 है, तभी आप इस कॉलेज में कहीं ना कहीं सेफ साइड हो, ठीक है। तो यार अब बढ़ते हैं अदर ब्रांचेस की तरफ, और यहाँ पे मैं बताऊंगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या रैंक की हो सकती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या रैंक की हो सकती है, और थोड़ा वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। अगर हम NSUT में इसी ब्रांच के लिए बात करें, होम स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं, तो आपका जो रैंक रेंज रहना चाहिए वो 17000 से 20000 के बीच रहना चाहिए। DTU के ECE के लिए वही 17000 से 20000 के बीच आपका रैंक होना चाहिए। DTU फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैक्सिमम कट ऑफ आपका जा सकता है वो 25000 तक रह सकता है, और मिनिमम कट ऑफ आपको 21-22000 तक रखना पड़ेगा। NSUT EEE ब्रांच न्यू इंट्रोड्यूस किया गया था, और 25000 के अंदर आपका रैंक है तो डेफिनेटली आपको इस कॉलेज में EEE ब्रांच मिल सकता है। DTU EEE के लिए आपका जो रैंक रेंज रहेगा वो 25000 से 30000 के बीच आपका रैंक है, तो आपको मिलने का चांस बन सकता है। NSUT मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जो आपका रैंक रेंज बन सकता है वो मैक्सिमम रैंक रेंज आपका 28 से 29000 के बीच आपका रैंक है, तो मैक्सिमम ये रह सकता है। मिनिमम आपको कम से कम 25-26000 रैंक रखना पड़ेगा फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल विद ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग के लिए आपको DTU में जो रैंक रेंज रखना पड़ेगा अंडर 30000 रैंक है, तो आप सेफ साइड हो। इसी ब्रांच इन IGDTU फॉर वुमेन्स के लिए आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो कट ऑफ 45000 से 50000 के बीच आपका रैंक रेंज लाई कर रहा है, तो आपको ये कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के बेसिकली IGDTU में जो आपको रैंक रखना पड़ेगा वो 60000 तक 65000 तक भी रैंक है, तो एक चांस बन सकता है इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने का, ठीक है। अब इसी ब्रांच में हम अदर स्टेट की बात करें तो NSUT में जो आपका इसी के लिए कट ऑफ बन सकता है वो 5000 के अंदर आपकी रैंक है, तो आप बिल्कुल चांस ले सकते हो इसमें NSUT में इसी का। DTU में इसी के लिए आपका जो रैंक रेंज रहने वाला है वो कहीं ना कहीं 5000 से 5500 के बीच रहने वाला, 6000 तक भी जा सकता है, ठीक है। EEE की बात करें तो EEE के लिए आपको 7000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा फॉर NSUT, और DTU के लिए EEE के लिए आपको 7500 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा, तब आपको DTU मिलने का चांस बन सकता है। DTU में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका रैंक 8000 के अंदर है, तो मैक्सिमम चांस है आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। DTU में अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑटोमेटिव की बात करें तो जो आपका रैंक रेंज रहने वाला है वो 8500 के अंदर ही रहने वाला है। NSUT मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जो आपका रैंक रेंज रखना पड़ेगा आपको वो अंडर 9000, अंडर 8500 भी है आपका रैंक, तो आप सेफ साइड में हो।
इसी फॉर आईजीडीटीयू के लिए जो अदर स्टेट को रैंक रखना पड़ेगा वो अंडर 20,000 रखना पड़ेगा, अगर आप 16 to 17,000 हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। मैकेनिकल विद ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग के लिए जो आपको रैंक रखना पड़ेगा फॉर आईजीडीटीयू तो आपको 20,000 के अंदर बिल्कुल सेफ हो, लेकिन अगर 25,000 तक भी है तो एक चांस बन सकता है इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिले। अब यार कुछ अदर ब्रांचेज को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए आपको 30,000 के अंदर रखना पड़ेगा अगर आप होम स्टेट से हो तो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको 35,000 के अंदर रहेंगे तो चांस बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ थोड़ी हाई जाते जा रही है। आप टॉप एनआईटीज की भी कट ऑफ देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी हाई कट ऑफ पे क्लोज हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के लिए आपका जो रैंक रेंज रहने वाला है वही 34-35,000 के अप्रॉक्स आपका रैंक है तो आप सेफ साइड हो। इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए भी जो आपको रैंक रखना पड़ेगा विद इन 40,000, मतलब अगर 35,000 तक रैंक है तो आप बिल्कुल सेफ हो। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए आपका जो रैंक रेंज रहने वाला है सेम 40,000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा। पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी इन डीटीयू कैंपस आपको जो रैंक रेंज रहने वाला है वो कहीं ना कहीं 35,000 प्लस ही जाएगा, 30 से 40,000 के बीच अगेन है तो आपको मिल सकता है, 40 प्लस भी जाने का चांस बिल्कुल बन सकता है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करें तो अगेन 40 के अप्रॉक्स आपका रैंक है तो डेफिनेटली मिल सकता है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें इन एनएसयूटी तो आपका जो रैंक रेंज रहने वाला है वही 45,000 के अप्रॉक्स रहने वाला है। बायोटेक्नोलॉजी इन डीटीयू में अगेन आपको 45,000 तक रैंक रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसी ब्रांच में अदर स्टेट की बात करें तो 10,000 के अंदर आपका रैंक है तब आप इंजीनियरिंग फिजिक्स की सोच सकते हो इन डीटीयू कैंपस। अगर इंस्ट्रूमेंट एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो एनएसयूटी में जो आपका रैंक रखना पड़ेगा आपको कॉलेज लेने के लिए वो 12,000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको डीटीयू कैंपस में 10,000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी के लिए 12,000 के अंदर आपका रैंक है तो आप सेफ साइड हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के लिए जो रैंक रेंज रहने वाला है वो आपका 12,000-13,000 तक भी है तो आप एक मन बना के चल सकते हो कि ये कॉलेज में ये ब्रांच आपको मिल सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इन डीटीयू कैंपस की बात करें हम तो 10,000-12,000 के अंदर रैंक है तो अगेन आपको ये कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करें तो विद इन 15,000 आपका रैंक है तो डेफिनेटली ये कॉलेज आपको मिलने का चांस बन सकता है। पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहीं आपका जो प्रीवियस एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का रैंक है उसी के आसपास आप रैंक रखते हैं, मतलब 15,000 के अंदर तो ये ब्रांच आपको मिल सकता है। बायोटेक्नोलॉजी इन एनएसयूटी के लिए आपका जो रैंक रेंज रहने वाला है वो विद इन 15,000 आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। मतलब जो लास्ट की 3-4 ब्रांचेज हैं उसके लिए आपको 15,000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा तो डेफिनेटली इन कॉलेजेस में आपको ये सारे ब्रांचेज मिल सकते हैं, चांसेस बिल्कुल हैं, ठीक है जाने के। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम क्रिएट करके रख चुके हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है और बहुत सारे वीडियोस आने वाले भी हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को यार शेयर करो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो, और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।